प्रदेश भर की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर मतगणना 10 नवंबर को की जाने वाली है। इसी सिलसिले में भिंड में जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 को मतगणना स्थल बनाया गया है, जहां मतगणना से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहीं पर मेहगांव और गोहद विधानसभा की मतगणना की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें भारी सुरक्षा के बीच रखी गई है। अर्धसैनिक बलों की 2 टुकड़ियों की तैनाती के अलावा 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के अनुसार जिला पुलिस बल भी बड़ी मात्रा में लगाया गया है। ईवीएम मशीनों और पूरे मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरों की नजर है। सोमवार को प्रशासन के आला अधिकारियों ने मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया। की जो सीआई की गाइडलाइंस है उसके तहत 3 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और ये शहर के बीच में मतगणना स्थल है। इस कारण से जो है उस दिन लगभग 400 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें 3 राजपत्रित अधिकारी भी होंगे और ट्रैफिक की व्यवस्था भी दुरुस्त रखी जाए और कोई विवाद वगैरह की स्थिति उत्पन्न हुई इसलिए अधिकतम पुलिस बल लगाया जा रहा है। हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ डबल लेन है तो 1 लेन ट्रैफिक के लिए खुला रहे ताकि पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो और उम्मीद करता हूँ कि उस दिन पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी और जो भी ट्रैफिक में डाइवर्सन होगा आज आपको बता दिया जाएगा। ले जाया जाएगा तो इसके लिए हम इस दिशा और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। शाम तक जो है हमारा जो है तैयारी पूर्ण हो जाएगी। अलग अलग है, इसमें जो है मतगणना के जो टेबल पर बैठेंगे उन कर्मचारियों की अलग ड्यूटी लगाई है, उसके बाद में इनके तो 150 के लगभग कर्मचारी सुपरवाइजर और जो काउंटिंग है उसके साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगेगा तो वो अलग से है। इस प्रकार से 700-800 कर्मचारी लगेंगे। उनको जो है सबसे पहले हमारे जो डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है तो उनको सबसे पहले स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद यदि मास्क नहीं लाए होंगे तो मास्क देंगे और पूरी सुरक्षा के साथ में काउंटिंग स्थल पर सभी को भिजवाया जाएगा ताकि कोविड की किसी प्रकार की फैलिंग संभावना है। रिजल्ट में जैसे मैंने मेहगांव का बताया कि दूसरे दिन 11 तारीख को लगभग 11 बजे तक या इसके बाद आ सकता है और गोहद का इसके पहले आ जाएगा। इसकी संभावना है कि 11 तारीख की सुबह 4 बजे या 3 बजे तक।